सर बताइए, उत्तराखंड अब किस तरह से आगे बढ़ेगा और क्या क्या ऐसे पॉइंट है जहां पर गुजरात समेत पूरे देश विदेश के इंडस्ट्रियलिस्ट वहां निवेश करने आए हैं? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भगवान केदारनाथ जी की धरती से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और उसी से हम कहीं न कहीं ये शब्द उनके हमको प्रेरणा भी देते हैं, ऊर्जा भी देते हैं, और अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्य बोध भी कराते हैं। तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर गुजरात में जो उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात चलाया था, उसी से प्रेरणा लेकर उत्तराखंड के अंदर भी डेस्टिनेशन उत्तराखंड, पीस टू प्रॉस्पेरिटी, ये हमने उत्तराखंड के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने का काम आगे बढ़ाया है, एक शुरुआत की है, और देश में विदेश में अनेकों जगह पर हम गए हैं और लोगों ने हमारे इस प्रयास को सराहा है। लोग इसमें आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, और यहाँ आने से पहले जब हमने ये निर्णय किया था कि हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करेंगे, निवेशकों को, उद्योग समूह के लोगों को, व्यापार समूह के लोगों को उत्तराखंड आने के लिए कहेंगे, तो उससे पहले ही हम 30 से ज़्यादा पॉलिसीज हमने नई बनाई, और बहुत सारी पॉलिसीज में हमने उदार रवैया अपनाते हुए उनको लिबरल किया। सर, आपकी टीम ने कौन से सेक्टर को आइडेंटिफाई किया है जहां पर ज्यादा निवेश आप चाहते हैं और उसका रिस्पांस कैसे मिला आपको? उत्तराखंड में, चूंकि उत्तराखंड भौगोलिक दृष्टि से पहाड़ भी है, मैदान भी है, और आधा पहाड़ आधा मैदान भी है, इसलिए सभी प्रकार की इंडस्ट्री के लिए वहाँ पर संभावनाएं हैं। तो टूरिज्म के सेक्टर में, इंडस्ट्री के सेक्टर में, हेल्थ वेलनेस के क्षेत्र में, एजुकेशन की फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जिस पर जो है आज लोगों के प्रस्ताव हमको प्राप्त हो रहे हैं, और हमने सबके लिए अनुकूल वातावरण भी बनाया है और सभी सेक्टर के लिए वहाँ संभावनाएं हैं। सर, एक आखिरी सवाल। लोगों के मन में एक मिथ भी है कि उत्तराखंड में भूस्खलन ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी इस बार रिकॉर्ड ब्रेक जो DOTs आए हैं उनकी संख्या बढ़ी है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक बहुत बड़ा पता नहीं कैसे लोगों के मन में बना, थोड़ी एक घटना जरूर जोशीमठ में हुई थी, लेकिन जोशीमठ हमारा भगवान बद्री विशाल का द्वार है, उससे पहले का शहर है, और इस बार अगर हम सब सालों की तुलना करेंगे तो इस बार हमारी जो यात्रा है अभी तक वो 54 लाख क्रॉस कर गई है, 54 लाख, और बद्री विशाल की जो संख्या है वो भी आज तक के सबसे बड़ी संख्या है। इतनी बड़ी संख्या में आए हैं लोग, ये जरूर है कि इस बार वर्षा काल में वर्षा ज़्यादा हुई है, बर्फबारी ज़्यादा हुई है, भूस्खलन भी हुआ है, लेकिन पूरा उत्तराखंड सुरक्षित है। त्यारे